अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्य समिति की बैठक बेतियाहता स्थित परिषद के कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में क्षेत्रीय संगठन मंत्री रमेश गाड़िया, प्रांत संगठन मंत्री आनंद गौर, प्रांत मंत्री भूपेंद्र सिंह राणा, रोहन सिंह सहित 11 जिलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत किए जाने, नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपे जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के प्रांत मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, उनका कार्य विभाजन कैसे करते हैं, कुछ क्या आप लोग लिखिए कार्य क्या है, कुछ हम बनने की योजना लगानी है, वो समिति बैठ के ये डिस्कस करें कौन करेगा वहाँ। ऐसे कुछ लोग सीनियर जो प्राध्यापक हैं, ऐसे इधर उधर किसी किसी को मिलते जुलते थे ताकि बोल सकें विषय को संभाल कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ कार्य चुनाव कैसे होना चाहिए, सब कुछ संगठन से नहीं बोलता है कार्यकर्ता, इसीलिए फिर सोशल मीडिया मीडिया ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थी छात्रा कार्य वहाँ स्पेशली देना है किसी को। उस समिति के सदस्यों को इकाई की जिम्मेदारी दी है उसका जो गत दिनों में राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ उसमें जो भी प्रस्ताव पारित हुए उस पर चर्चा होनी है और आगामी संगठन को गति देने के लिए आने वाले सत्र में हम कैसे काम करेंगे और उस पर क्या योजना बनाएंगे उसकी बैठक चल रही है। अभी जो भी आगामी कार्यक्रम है जैसे कि अभी हम लोग का मिशन साहसी पिछले साल संपन्न हुआ उसको और मजबूत करके उसको ज़्यादा बड़ी संख्या में अभी आगे अनवरत कार्यक्रम करने हैं और साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे लोकसभा चुनाव में और ऐसे तमाम निर्देश जो है कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह राणा, प्रदेश मंत्री विद्यार्थी परिषद प्रांत।